पीजी स्कॉलर को जो है यहाँ पे एसोसिएट का प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ पे। मैं कॉलेज के मसले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था पैसों के लिए, जो लोग पैसे पूछते हैं यहाँ पे बच्चों को पास करने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के नाम से पैसा लेते, हर चीज़ के नाम से पैसा लेते। मैं कॉलेज में क्लासेस लेते ये सही से, और दो बच्चों को, मैं और एक बच्चा है, दोनों थोड़ा प्रोटेस्ट करे बोलते, दोनों को फेल कर दिए, और यूजी के भी बहुत सारे बच्चों को फेल करे। कॉलेज के बहुत सारे इशूज़ के लेकर बच्चे जो है प्रिंसिपल के पास बात करने जाते थे, देखते थे वो लोग, देख के बच्चों को डराते थे, देख ले तुम तेरे को फेल कर दूँ, डरा डरा के या बच्चों को प्रैक्टिकल में फेल कर रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे जो थ्योरी में पास है, डिस्टिंक्शन मार्क्स लाइस हुए, लेकिन उनको प्रैक्टिकल में फेल कर दिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तकरीबन 50% रिजल्ट, 60% 60-70% रिजल्ट खराब आया यहाँ का, और बहुत सारे इश्यूज है। बोलिए स्टूडेंट, हम लोग के एग्जाम्स नवंबर में हो, हम लोग के एग्जाम्स नवंबर में हुए थे। एक्चुअली तो रिजल्ट 45 डेज में आना चाहिए, पर यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से रिजल्ट 4 महीने के बाद आया हम लोग को, और वो भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं थे, वो लोग सब्जेक्ट वाइज नहीं थे। सिर्फ इतने मेंबर्स पास हो गए, इतने मेंबर्स डिस्टिंक्शन आए, इतने फर्स्ट डिवीजन, इतने सेकंड डिवीजन, जो फेल हो गए उन लोग का कोई ना मेमो आया ना कुछ, प्रॉपर रिजल्ट नहीं थे वो लोग, और हम लोग को प्रैक्टिकल में फेल कर गया ऑलमोस्ट पूरों को। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में डिस्टिंक्शन लाए और अब यहाँ पर आके प्रैक्टिकल में फेल हो गए पूरे स्टूडेंट्स। हमारे कॉलेज में 93 स्टूडेंट्स अपीयर करे एग्जाम के लिए, तो 53 स्टूडेंट्स फेल हुए, सिर्फ 40% स्टूडेंट्स पास हुए उसमें, और हमारा सेंटर भी चेंज कर दिए। उनमें खास तौर से बच्चों को डरा के प्रैक्टिकल में फेल करा जा रहा, और मकबूल हुसैन और मोहम्मद सलीम सर जो है बच्चों को डराते, पैसे लेते, पर्सनल कामा करा लेते, पीजी को ऐसे ही यूज़ कर लेते ना, तो ये लोग एक क्लास लेते। 3 साल से मैं पीजी में हूँ कि एक क्लास नहीं हुई पीजी में, बच्चों को ना पढ़ाते करते, बच्चों से पैसे वसूल करते, और कोई क्लास नहीं होती यहाँ पे, और बच्चों से पर्सनल कामों के लिए पीजी को यूज़ कर लेते, बस यही चल रहा है यहाँ पे। और बहुत से डिपार्टमेंट भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खाली हमारे डिपार्टमेंट का है, मैं बोल रहा हूँ। एक लेक्चर क्या पढ़ेगा बच्चों को? नहीं, स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी है सर, ये हमेशा होने वाला है, अभी होता है, नेक्स्ट भी करना आने वाले कोई नहीं है, हम लोग हॉस्टल और एक हॉस्टल का कुछ भी नहीं है सर, हॉस्टल वाइस हॉस्टल का कुछ भी नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। मैडम कंप्लेंट करो कोई क्लासेस नहीं दिए सर, हॉस्टल के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स करे, स्टाफ की कमी है, क्लासेस नहीं चल रहे, और उल्टा हम लोग के ऊपर दबाव कर रहे सर, अधिकार सर, सर सर मेमू सर, ऐसा हो गया इसके बाद कितने दिन से बोल रहे सर, ये पास लेटर दिया, हर चीज करे, गवर्नमेंट हॉस्टल मेरा जो वर्स्ट टाइम मैम, अगर पे नहीं करे तो हॉस्टल छोड़ के चले जाना बोल के, पूरे हमारा लेटर है किसी के पास रहते पैसे, किसी के पास नहीं रहते पैसे, आप नीचे देखिए फदर जो है मेमो वगैरह, ये बोले कि नेक्स्ट डे कॉलेज में अपलोड कर।